चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए अभी इससे पहले जो अब हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम चल रही थी उससे पहले हमने टॉपिक लिया था प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, तो नंबर्स से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स की थी। अभी हमारा सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस है टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड, इसमें स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। सबसे पहली बात, ये जो हमारा टॉपिक है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड। एक ट्रक है हमारे पास, मान लीजिए वो एक सर्टेन स्पीड से 150 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है एंड अनदर 200 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड विच इज 20 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। इफ द ट्रक कवर्स द टोटल डिस्टेंस इन 5 आवर्स, फाइंड द फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रक। सबसे पहले आपको बताता हूं, यहां पर एक फॉर्मूला यूज है हमारा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। थोड़ा नीचे लिख देते हैं, अभी आप ध्यान से देखना पहले इनका कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप देखिए एक ट्रक है जिसने यहां से चलना स्टार्ट किया और वो 150 किलोमीटर पर गया, ये होगी डिस्टेंस हमारी कितनी, 150 किलोमीटर। ध्यान से देखना जरा एक बार, 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जो ट्रक है हमारे पास, अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड, ये उसकी एवरेज स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर और ये 150 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की। यहां तक काम खत्म। अब फिर दोबारा देखिए, अनदर 200 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड, मतलब 200 किलोमीटर वो और चला, ठीक है, इस बार जो उसकी स्पीड थी वो 20 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। तो पहली स्पीड x थी, उसमें हमने 20 ऐड कर दिया, तो ये हुई हमारी स्पीड। अब टोटल टाइम दिया है उसने 5 आवर्स, ए से लेकर के और सी पर पहुंचने पर उसे कितना टाइम लगा, 5 घंटे लगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम ये टाइम निकालेंगे, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारे पास 150 किलोमीटर है और स्पीड हमारे पास x है। उसके बाद आगे का टाइम निकालेंगे, फॉर्मूला यही होता है, इस बार डिस्टेंस 200 किलोमीटर हो गई और स्पीड हो गई x प्लस 20। ये पहला टाइम, ये दूसरा टाइम, टोटल टाइम कितना है 5 आवर्स। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे इक्वल टू 5, तो ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड। सभी क्वेश्चनों में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अभी मैं इसको लैंग्वेज में लिख के दिखाता हूं, लेट, फिर लिखा है उसने फाइंड द फर्स्ट स्पीड, मतलब फर्स्ट स्पीड मतलब x, तो लेट फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रक इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से उसने 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर। तो टाइम निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 150 किलोमीटर और स्पीड है x, ये आएगा हमारे पास आवर्स, ठीक। अब है नाउ सेकंड स्पीड इक्वल टू x प्लस 20
किलोमीटर पर आवर, फिर लिखेंगे टाइम टेकन नाउ, टाइम टेकन बाय द क्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 200 है, स्पीड है x प्लस 20 आवर्स। ठीक है, अब हम लिखेंगे टोटल टाइम, तो टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रक इक्वल टू 5 आवर्स। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 150 अपॉन एक्स 200 अपॉन एक्स प्लस 20 इक्वल टू 5। अब इसमें आप इस क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हैं, सिंपल आपको एलसीएम लेकर क्वाड्रेटिक बनानी है और उसकी स्प्लिटिंग करके सोल्व करना है, तो भी मैं करके दिखाता हूं क्वेश्चन कैसे करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। अब हम यहां पर एलसीएम लेंगे एक्स एक्स प्लस 20, तो ये आएगा 150x प्लस 3000 और प्लस 200x इक्वल टू 5, ये तुम्हारे पास आएगा 350x प्लस 3000 इक्वल टू 5। इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 20x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 100x, सबको उधर ले जाइए 5x स्क्वायर इधर के माइनस का होगा तो 250x माइनस 3000 इक्वल टू 0, यहां से 5 कॉमन आ गया हमारे पास तो 5x 50x सॉरी 50x माइनस, और ये तुम्हारे पास आएगा 600 इक्वल टू 0। अभी स्प्लिटिंग करते हैं इसकी, स्प्लिटिंग आएगी इसकी 60 माइनस 10 तो यहां से हमारे पास x कॉमन आ गया, यहां से 10 टोटल में से आ गया x माइनस 60 x प्लस 10, तो x माइनस 60 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 10 स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव सो x इक्वल टू 60। तो जो हमारे पास आई फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रक ये आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। सो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। देखिए एक ट्रेन है हमारे पास जो कवर करती है अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान से देखना, मान लीजिए सबसे पहले हमें इनका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास ये ए बी डिस्टेंस है और ये 480 किलोमीटर है। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो एक्स किलोमीटर पर आवर से उसने इस डिस्टेंस को कवर किया, ठीक कवर हो गई। उसके बाद If the speed had been 8 किलोमीटर less than, उसके बाद उसने स्पीड को एक 8 किलोमीटर
पर आवर्स लेस कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, हैव टेकन थ्री मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि सेम डिस्टेंस फिर दोबारा बना दीजिए ए बी। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, 480 किलोमीटर x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर जी। पहले 480 किलोमीटर थी, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कवर की, ठीक है। उसके बाद फिर इस डिस्टेंस को दोबारा कवर किया, इस बार उसने स्पीड को कम कर दिया, तो पक्की बात है जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो छोटी सी बात है, क्लियर है कि अगर स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में। कितना टाइम ज्यादा लगा वो क्वेश्चन में देखते हैं, 3 आवर्स। तो अब सुनिए, पहला तो ये केस है हमारे पास, इस केस में टाइम आया, अब जरा ध्यान से सुनना, ये पहला केस है, इस केस में टाइम आया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर ये सेकंड केस है, इसमें टाइम आया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये वाला टाइम बड़ा है क्योंकि इसमें स्पीड कम है, ध्यान से सुनना, इसमें स्पीड कम है तो ये टाइम ज्यादा हुआ, इसमें स्पीड ज्यादा है तो ये टाइम कम हुआ। तो अब हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन के अंदर जहां पर भी ऐसे, सुनना ध्यान से मैं बता रहा हूं, जिस क्वेश्चन में भी ये डिफरेंस दे रखा हो, 3 आवर्स मोर या 3 आवर्स लेस, 3 घंटे कम लगे या 3 घंटे ज्यादा लगे, उस क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। हमेशा दो केस होंगे, एक में यूजुअल स्पीड होगी, एक में स्पीड उसने कम या ज्यादा कर रखी होगी, बस। उसके बाद आपको दोनों टाइम निकालने हैं। अब क्या करना है वो सुनिए, अब ये देखिए दोनों में से कौन सा टाइम ज्यादा है उसे लिखिए पहले, ये टाइम ज्यादा है तो 480 अपॉन एक्स माइनस 8। हमेशा बीच में माइनस का साइन बनाना, हमेशा माइनस का बनाना ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर सेम डिस्टेंस को कवर करने का डिफरेंस दे रखा हो, 3 आवर्स मोर 3 आवर्स लेस, सेम डिस्टेंस है, ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा वाला टाइम लिखना है, इक्वल टू जो भी टाइम दे रखा हो ज्यादा या कम उसे लिख लीजिए, ध्यान रखना। सुनिए, बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम इज इक्वल टू जो भी डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, बात खत्म, एलसीएम लीजिए, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। फिर सुनिए, ये एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, ये दो फ्रैक्शन है हमारे पास, ये दो फ्रैक्शन है, अगर दो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम है तो हम कैसे पता करेंगे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है ना, वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। अब फ्रैक्शन हैविंग लेस डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द अदर, अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा है तो वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो बड़ी फ्रैक्शन माइनस छोटी फ्रैक्शन इज इक्वल टू जो भी टाइम लगता है। अब इस तरह के हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इसको इसकी इक्वेशन बना के दिखाता हूं, ये मैंने आपको रफ समझा है, अब उसका फेयर काम देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस तो सेम रहेगी, डिस्टेंस जो है हमारे पास वो है हमारे पास कितने डिस्टेंस है, 480 किलोमीटर लेट, यूजुअल स्पीड मतलब जो उसकी डेली यूजुअल स्पीड है, जो वो डेली यूज करता है, यूजुअल स्पीड हम मान लेते हैं, यूजुअल स्पीड है उसकी x किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से उसने इस डिस्टेंस को कवर किया, तो लिखिए टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया हमारे पास
x किलोमीटर, तो टाइम हो गया हमारे पास ये। फिर दोबारा देखिए न्यू स्पीड उसने इस बार क्या किया है, 8 किलोमीटर कम किया है। पहले x थी, माइनस 8 कर दीजिए। अगर कहेगा 8 किलोमीटर बढ़ा दिए मोर देन, तो प्लस कर देगा, सिंपल सी बात, ठीक है। नाउ सेम डिस्टेंस को टाइम निकालना है कवर करने के लिए, टाइम टेकन टू कवर सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये आएगा 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ज्यादा नहीं सोचना है, सिंपल सवाल बताऊंगा मैं आपको दो फ्रैक्शन में, जब लेकिन कब, जब ये डिफरेंस दे रखा हो सेम डिस्टेंस को कवर करने का, 3 आवर्स मोर 3 आवर्स लेस, तो उसी केस में करना होता है। इन दोनों फ्रैक्शन में ये बड़ी है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ी फ्रैक्शन लिखेंगे हम पहले, हमेशा माइनस बनाएंगे, छोटी फ्रैक्शन लिखेंगे हमेशा, और जो भी डिफरेंस दे रखा हो वो लिख दीजिए बात खत्म। अब आप इसमें एल से लेकर के क्वाड्रेटिक बनाकर उसकी स्प्लिटिंग करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं डी बाई एस। क्वेश्चन हमारे पास, अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। समझिए क्वेश्चन को ध्यान से, समझने की वाली बात है। इससे मैंने पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसके अंदर स्पीड कम की थी, इसमें स्पीड बढ़ाई है, प्रोसेस सेम है। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड से 180 किलोमीटर की स्पीड डिस्टेंस हम कवर करते हैं, उसके बाद फिर हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी, जब स्पीड हमने तेज कर दी और फिर दोबारा से 180 किलोमीटर डिस्टेंस हमने कवर की, तो ऑब्वियसली टाइम कम ही लगेगा, तो लिखा हुआ है 1 आवर लेस। तो जिस क्वेश्चन में भी आपको स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड के बाद स्पीड कम या ज्यादा की हुई हो, उसका एक ही प्रोसीजर मैंने अभी आपको समझाया था, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड, लेट यूनिफॉर्म स्पीड लिखिए, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू एक्स किलोमीटर, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है हमारे पास 180 किलोमीटर, तो अभी हम इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करेंगे और देखेंगे कितना टाइम लगा। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 180 किलोमीटर डिस्टेंस, तो टाइम का तो एक ही फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये आएगा 180 अपॉन एक्स आवर्स। ये पहला टाइम हुआ, अब दूसरा टाइम निकालेंगे, तो उसके लिए न्यू स्पीड है हमारे पास x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो यहां पर आपका जो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 180 किलोमीटर डिस्टेंस, सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 180 अपॉन एक्स प्लस 9 आवर्स। ये टाइम कम है, ये टाइम ज्यादा है, मैंने आपको बताया था ये आपके पास दो टाइम है, दोनों टाइम में जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा हुआ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने आपको बताया था हमेशा ऐसे ही करना है, आपको लिखना है बड़ा टाइम माइनस कम टाइम, भाई ज्यादा में से कम ही तो माइनस करेंगे, इक्वल टू कितना आंसर आएगा 1 आवर लेस यानी कि 1। ये वाला टाइम इस वाले टाइम से 1 घंटा कम है, तो इसमें इसे माइनस करेंगे तो 1 आवर्स आएगा, ठीक। अब आपको इसमें, अब इसमें एलसीएम लेना है आपको, एलसीएम लेने के बाद चलो इसे कर देते हैं, 180 कॉमन ले लिया,
वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस नाइन, एक्स एक्स प्लस नाइन एलसीएम आ गया, एक्स प्लस नाइन माइनस एक्स इक्वल टू वन ही कर गया। 18 9 का होता है हमारे पास 162, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x, x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1620। अब आपको इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, 1620 अभी काट गए 3 से, 3 4 12 3 5 15, 9 आ रहा है माइनस करके, तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब हम इसकी स्प्लिटिंग करते हैं, यह आएगा आपका 5 3 15 15 3 45, ये तो बना 45, 3 3 9 2 18 18 2 36, तो 45 माइनस 36 इक्वल टू 9 मिल गया। स्प्लिटिंग करेंगे इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 36 एक्स, एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 45 माइनस 36 कॉमन आ गया, एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0, टोटल में से कॉमन आ गया x प्लस 45, तो यहां से आएगा x प्लस 45 इक्वल टू 0 और x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x इक्वल टू हमारा यहां से आया 36, तो स्पीड ऑफ ट्रेन y 36 किलोमीटर पर आ। तो सभी क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको लैंग्वेज पढ़ के सिर्फ इक्वेशन बनानी है, ये ध्यान रखना। जिस क्वेश्चन में भी ऐसे आपको स्पीड को कम या ज्यादा कर रहा हो, उसमें आपको बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम इज इक्वल टू जो भी डिफरेंस दिया वो आपको लिखना है। सपोज द मिनट डेटा, क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे इज 192 किलोमीटर, ठीक है, 192 किलोमीटर की डिस्टेंस है मुंबई से लेकर के पुणे के बीच में। ट्रेवलिंग बाय अ डेक्कन क्वीन ट्रेन इट टेक 48 मिनट्स लेस देन अनदर ट्रेन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डेक्कन क्वीन इफ द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स डिफर बाय 20 किलोमीटर पर आवर। सुनिए, ट्रेवलिंग बाय द डेकन क्वीन इट टेक 48 मिनट लेस देन द अनदर ट्रेन, ठीक। एक ट्रेन है हमारे पास, इसका नाम है डेकन क्वीन, और एक है हमारे पास अनदर ट्रेन, इससे टाइम कम लगता है, कितना, 48 मिनट टाइम कम लगता है। इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी। हमने मान लिया डेकन क्वीन ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब सुनिए लास्ट की लाइन देखिए, इफ द स्पीड ऑफ टू ट्रेन डिफर बाय 20 किलोमीटर, इसका मतलब है कि दोनों की स्पीड में 20 किलोमीटर पर आवर की का डिफरेंस है। इसका मतलब हुआ कि जो अनदर ट्रेन है इसकी स्पीड होगी x माइनस 20, क्यों, मैंने भी आपको बताया था डेकन क्वीन टाइम कम ले रही है, तो डेकन क्वीन की स्पीड ज्यादा हुई, इसकी स्पीड कम हुई, तो कितनी कम हुई, 20 किलोमीटर पर आवर, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है इफ द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स डिफर बाय 20 किलोमीटर पर आवर, तो एक ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन की स्पीड x माइनस 20 किलोमीटर पर आवर, दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करनी है 192 किलोमीटर, तो पहले दोनों से टाइम निकालेंगे, ध्यान से देखना आप जरा जी। लेट स्पीड ऑफ डेकन क्वीन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 192 किलोमीटर, तो आप टाइम निकाल दीजिए थोड़ा, टाइम टेकन बाय
डेक्कन क्वीन ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 192 किलोमीटर. डिस्टेंस अपॉन स्पीड 192 अपॉन एक्स आर्स. टाइम निकल गया, ये पहला टाइम हो गया आपके पास. अब न्यू अब निकालेंगे स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन. स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन कितनी आएगी हमारे पास, ये आएगी एक्स माइनस 20 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस 192 है, फिर निकाल दीजिए. टाइम टेकन बाय अनदर ट्रेन क्या आएगा, 192 अपॉन एक्स माइनस 20 आर्स. उसके बाद वही तरीका जो मैंने आपको बताया था, दोनों टाइम में जो टाइम ज्यादा है उसको लिखिए पहले. तो भाई इसका डिनोमिनेटर कम है तो ये टाइम ज्यादा होगा, तो ज्यादा वाला टाइम माइनस कम वाला टाइम इक्वल टू जो भी डिफरेंस दिया हुआ है. 48 मिनट्स का डिफरेंस है तो 48 मिनट्स को लिखेंगे 48 अपॉन 60. क्यों? क्योंकि हमारी पूरी कैलकुलेशन आवर्स में चल रही है, घंटे में चल रही है, ये मिनट में, तो मिनट्स को आपको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा. तो काट दीजिए इसको. अब आप यहां से 192 कॉमन लेकर के एलसीएम ले लीजिए. देखिए कैलकुलेशन आपको अपने आप करनी है. ये प्लस 20 हो जाएगा क्योंकि माइनस है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 4 अपॉन 5 या आया 192 इंटू 20 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू 4 अपॉन 5. इसे भी काट सकते हैं हम. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू ये 25 इंटू 192 25 ये हो जाएगा तुम्हारे पास 192 इंटू 25. तो 192 की 25 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको आया 5800. तो ये आपकी अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है. अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं. यहां अभी एक मिनट, यहां मैंने गलती से 4 लिख दिया था, यहां 3 आएगा और ये 3 आएगा, यहाँ आएगा ये 38. सॉरी, आप इसे सोल्व. अब इसकी आप मिडिल टर्म स्पीड करिए और इसे सोल्व करिए. इसका आंसर हम बता देते हैं आपको. इसका जो आंसर आएगा, अभी यहाँ आएगा ये 48. सॉरी, यहाँ पर आएगा ये 48. तो ये 48 बना. तो इसकी स्प्लिटिंग आएगी हमारे पास, इसकी स्प्लिटिंग जो आएगी हमारे पास वो आएगी 80 माइनस 60. ठीक है, 80 और 60. अब आप इसे सोल्व करके इसे इसका आंसर लिखिए. सपोज द वीडियो इज रिटन डाउन. सो भी जो हमारे डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे इसके डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है. इस वीडियो में आज की क्लास में इतना ही है और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे डाउन स्ट्रीम एंड